प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही मजेदार और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ साहब, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे कि कैसे इस समय पूरे विश्व की जो नजर है वो भारत पे है। खासकर जो पश्चिमी देश है यानी वेस्टर्न कंट्रीज है, उनको काफी ज्यादा जलन हो रही है भारत की तरक्की से। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान की जो आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन, वरना नेपाल भूटान को कोई नहीं पूछता। आपका बॉर्डर अगर इंडिया के साथ इतना ना होता, चाइना के साथ ना होता, ईरान अफगानिस्तान के साथ ना होता, तो कोई पूछता भी ना। हाँ, उसमें अब ये होगा कि रिपब्लिकन अगर फेयर इलेक्शन हुए अमेरिका में, क्योंकि अब फेयर इलेक्शन भी जो है ख्वाब ही नजर आते, अगर फेयर इलेक्शन हुए तो इसमें रिपब्लिकन आएंगे, जो भी आएगा। डोनाल्ड ट्रंप इनके डर रहे हैं इस वक्त, खौफ है। बल्कि टाइम मैगजीन ने उनकी तस्वीर लगाई अगले दिन और साथ लिखा कि इफ ही विंस तो क्या होगा दुनिया। इस वक्त आपके देखने वालों को यह भी पता होना चाहिए 6-7 मुल्कों के सदूर जो है वो आके मिल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि उन्हें नजर आता है शायद कि ये जीतेंगे अगर इलेक्शन फेयर हो। अब ओबामा क्या करेंगे, सख्त घबराए हैं इस वक्त बिल क्लिंटन और ओबामा, बाइडन साहब को तो होश ही नहीं है। अगर तो उनकी ख्वाहिश ये है कि अगर इनको पकड़ के अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन अगर अरेस्ट कर लिया गया तो फिर उनके वोट और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर वो जीतेंगे तो ये रिपब्लिकन फिलॉसफी है कि हमेशा वो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का डॉक्ट्रिन अपने 4 साल के पीरियड में था कि वी विल अचीव पीस बट थ्रू स्ट्रेंथ, और उसी की वजह से 4 साल जंग नहीं हुई, क्योंकि वो सीरियस प्रेसिडेंट थे, अनप्रडिक्टेबल थे और सियासतदान नहीं। अभी भी वो चैलेंज करते हैं कि मैं जब भी आया तो दुनिया की जंगें बंद कर दूं, उनका बिल्कुल मैं सीरियस समझता हूं। अगले दिन एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप इसराइल के ऊपर आप क्या स्टैंड लेंगे, तो उन्होंने जवाब बड़ा सही दिया। उन्होंने कहा अगर मैं प्रेसिडेंट होता हमास इसराइल के ऊपर अटैक ही ना करता, क्योंकि मैंने ईरान को चोक कर दिया था सैंक्शंस के जरिए। बड़ा सही जवाब था। रशिया का उन्होंने कहा रशिया डरता था, और यूक्रेन को वो कहते मैं एक डॉलर नहीं दूंगा, उन्हें पता है कि रशियन करप्ट है, और इस वक्त भी जो पैसा अमेरिका का खून पसीना जा रहा है वो सारा वो भी दुबई जा रहा है, वो भी लंदन जा रहा है सारा। तो वो ये चीजें ना करते तो फिर ना यूक्रेन ने आगे से रेसिस्ट करनी थी चीजें, ना रशिया ने कुछ करना था, तो बात उनकी बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसमें यह जरूर होगा कि आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी आपकी ज्योग्राफिक लोकेशन की वजह से, आपकी लोकेशन, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी ताइवान के हवाले से, और इस वक्त जो इंडिया के साथ जो भी आपके इस वक्त रिलेशन थोड़े बहुत अमेरिकन के साथ चल रहे हैं, उसके पीछे एक हकीकत ये जरूर है कि आजकल अमेरिका के रिलेशनशिप जो है भारत के साथ वो पुराने वाले नहीं है। बल्कि मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो भारत की या तो तरक्की की वजह से या वहां इलेक्शन की वजह से या जो भी है, एक पूरी कंपेन चला रही है, एंटी मोदी कंपेन, ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि एंटी मोदी कंपेन ही है वो, कि उसमें वो मुसलसल वाशिंगटन पोस्ट ने भी अगले दिन आर्टिकल लिखा है जो कि उन्होंने विक्रम यादव वहां के जो रा के एक एजेंट है उनका पहली दफा हिस्ट्री में नाम लिया गया है उसका, उस पर लिखा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक ऑस्ट्रेलिया से खबर एक आई है कि किस तरीके से वहां पे जो एजेंट्स हैं इंडियन वो डिफेंस की ड्रॉइंग वगैरह उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो लेकर वहां से चोरी करके भारत ले जा रहे हैं ये भी। और टोरंटो में अगले दिन आपने देखा होगा कि वहां पे बैसाखी के मौके पर जहां पे ट्रूडो साहब गए और उन्होंने वहां पे खालिस्तान के नारे लगाए, लेकिन जिसको कंडेम नहीं किया ट्रूडो साहब ने। तो ये पूरी एंटी इंडिया एंटी मोदी जिसको कह लें जो कि कंपेन चल रही है। मैं हमेशा आपको कहता था कि भारत की तरक्की जो है उसको दुनिया ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके कुछ वो कहते हैं ना जब भी आप तरक्की करते हैं उसके साथ चीजें अटैच होती हैं सारी, आप हर आपके अच्छे दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं आपके। बिल्कुल, ये सारी चीजें फेस हो रही हैं इस वक्त। लेकिन डॉक्टर जय शंकर इज अ वेरी स्मार्ट मैन, अल्टीमेटली वी मस्ट हैव समथिंग इन रिटर्न जिस पे ये करेंगे अपना फैसला करेंगे। इस वक्त अगर देखा जाए तो चीजें कई काफी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भारत को कई मुश्किलात का सामना है। यहां से वेस्टर्न सिविलाइजेशन पुश कर रही है
और चाइना आपके रीजन के अंदर चाइना भी मसल फ्लैक्स कर रहा है। मालदीप ने अपना डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया चाइना के साथ। नेपाल जो है वो भी, उनके प्राइम मिनिस्टर का भी दौरा था चाइना का। श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर का भी दौरा था चाइना का। और पाकिस्तान आपको पहले ही पता है कि ऑलमोस्ट चाइनीज कॉलोनी है, अगर पैसे दें तो वो, तो फिर वो इन सारे हालात में मुश्किल हैं इंडिया की फॉरन पॉलिसी के लिए। लेकिन अल्टीमेटली वो दे आर ग्रोइंग। और अभी एक और चीज जो मैं समझता हूँ, जो चाहे उसको इलेक्शन से आप रिलेट कर लें, चाहे अकॉनमी से रिलेट कर लें, इलॉन मस्क जो है वो जो भारत नहीं गए थे वो चाइना चले गए। और चाइना मसल फ्लैक्स कर रहा है अपना। टोनी बिल्कन भी वहां पे गए थे, फिर उसके बाद वो सऊदी अरेबिया गए, सऊदी अरेबिया से वो जॉर्डन जाएंगे, जॉर्डन के बाद वो इसराइल जाएंगे। जो कल एक बड़ी खबर वॉशिंगटन के लिए एक हैरान कन थी, वो खबर ये थी कि बीजिंग ने अनाउंस किया है कि वहां पे फतह, अल फतह जो कि इस वक्त वेस्ट बैंक में फलस्तीन को वो गवर्न करते हैं, और हमास के लीडरान जो गाजा को गवर्न करते हैं, उन दोनों की मुलाकात बीजिंग में हुई है। पहले माजी में मैं हमेशा ये कहता था कि इस तरह की मुलाकातें कैंप डेविड में होती थी, लेकिन इस वक्त हमारे अमेरिकन जो है वो को कोई होश नहीं है, वो अपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के झगड़ों में और प्रोटेस्ट में मसरूफ है, उन्हें बिल्कुल नहीं पता। और लेकिन चाइना इज फ्लेक्सिंग देयर मसल एट द सेम टाइम। उसमें ये चाइनीज फॉरेन, भारतीय फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंजेस हैं उसमें जो चाइना। लेकिन मोदी जी निकलते हुए लग रहे हैं, आपको लग रहा है मोदी जी निकल जाएंगे इसमें से? नहीं, मोदी साहब की अगर देखा जाए तो जो 10 साल की परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से भारत को वो एक रीजनल पावर और जिस तरीके से वो आगे लेकर निकले हैं, उस पर मैं नहीं समझता कि मोदी साहब इलेक्शन उनको मुश्किल होंगी। मेरे ख्याल में मोदी साहब विल अचीव विद द फ्लाइंग कलर्स, ही विल विन द इलेक्शन, मुझे इसमें कोई शक नहीं। और चार साल मोदी साहब के अगले चार साल जो अगला पीरियड भी होगा टर्म, उसमें वो इंडिया विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मैंने आपको बताया, दुनिया के अंदर जहां जहां कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट्स, वहां मुल्क तरक्की नहीं करते, वो फिर आपस के झगड़ों में पड़े रहते हैं, ही सेड दिस शी सेड दिस, वो तरक्की पे। पहली दफा एक पार्टी ने जो रूल किया है, कमांड की है, इस वंडरफुल, उसके इश्यूज जरूर है। ये नहीं मैं कहूंगा कि एवरीथिंग इज लवी डबी, उसमें इश्यूज हैं, क्राइसिस हैं, उन चीजों में मुश्किलात हैं। मैंने आपको मेंशन किया है जिस तरीके से चाइना आसपास घेरा डाल रहा है भारत के, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी जो उनके साथ वो पुराने नहीं है। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, मोदी साहब जब अमेरिका के दौरे में तो आए थे यहाँ से, उसके बाद ये यूरोप गए, उसके बाद मिडल ईस्ट गए, उस वक्त लग रहा था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी मोदी साहब के साथ है, मिडल ईस्ट के खलीज स्टेटें भी हैं, खलीज वाले भी साथ हैं, और यूरोप भी साथ है। लेकिन अब वो थोड़े थोड़े, जिस तरह मैं बता रहा था कि शायद उनको भारत की वो जो तरक्की है वो शायद नहीं पसंद आ रही, या कोई और वाकयात है, मुझे तो यही नजर आता है। अल्टीमेटली खासकर जो बिलखसूस ये जो स्कैंडल यहाँ पे पन्नू साहब का निकाला गया है, वहाँ पे लीजर साहब का है, वहाँ पे कैनेडा के अंदर है, फिर उसके बाद ये अगले दिन आर्टिकल ऑस्ट्रेलिया ने लिखा है जो एस्पिनाज, फिर उसके बाद 20 लोगों को जो मारने का पाकिस्तान के अंदर चीजें हैं, तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो दीज आर द बम्प्स दे आर फेसिंग इन भारत की फॉरेन पॉलिसी। लेकिन उनके पास देखें, डॉक्टर जयशंकर वॉज बॉर्न टू बिकम डिप्लोमैट, ट्रूली हीरो ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो अल्टीमेटली ही इज वॉचिंग इट क्लोजली। और मोदी साहब इलेक्शन के बाद आज अल्टीमेटली ज्यादा खुल के इस पे नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इलेक्शन है, उस पे चीजें कंट्रोवर्सी हो जाती है कई दफा, वो इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल में दे विल ओवरकम सिचुएशन। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, जो मैं आपने जो एक आइडेंटिफाई किया है अभी के जर्मनी के अंदर 45,000 स्टूडेंट्स जाएंगे, यही भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज द सीक्रेट ऑफ इंडियाज ग्रोथ। और फिर उसके बाद उनके डायस्पोरा का, पहली दफा मैं डायस्पोरा को देख रहा हूँ कि दे आर इन लव विद इंडिया, दे आर इन लव विद देयर हेरिटेज। इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका डायस्पोरा है। मैं उनको डायस्पोरा नहीं कहता, टेक्नोक्रेट कहता हूँ, टेक्नोक्रेट।
बिल्कुल। और सर ये तो खैर बहुत दिन से हम लोग बात कर भी रहे थे कि जो जिस तरीके से भारत आगे जा रहा है, जो सक्सेस है, वो तो ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया में लोगों को जाहिर है कि अच्छा नहीं लग रहा होगा, अमेरिका को और बाकी कंट्रीज को भी, लेकिन भारत में भी यकीनन बहुत से अपोजिशन पार्टीज ऐसी होंगी जो यकीनन मोदी जी को चाह रही होंगी कि वो इतने सक्सेसफुल ना रहे, लेकिन आई होप कि वो सक्सेसफुल रहेंगे क्योंकि 10 साल उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया और दूसरा है। आज मैं एक और चीज आखिर में कहूंगा कि मैंने परसों मूवी देखी है लापता लेडीज, वाज वंडरफुल मूवी, आई लव। मैं आपको पता है भारतीय फिल्में, खास कर एक खास स्टाइल की जो भारतीय फिल्में हैं उसमें जो जबान हिंदी थी मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया। जो एक पुलिस वाले का जो उसमें रोल था जिसमें बिलखसूस वो पान खाते हुए साथ बोलते हैं, और इट वॉज अ कॉमेडी टच और इट वॉज अ वंडरफुल मूवी। मैं दोस्तों को देखने वालों को कहूंगा कि इफ यू गेट अ टाइम अ चांस look at the Lapata ladies, it was a wonderful experience. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद ताड़ साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा और इनके पॉजिटिव एनालिसिस से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन्होंने खासकर बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, जिस तरीके से भारत तेजी से तरक्की कर रहा है और भारत में चुनाव चल रहे हैं, आपने देखा कि पूरे विश्व की इस समय नजर भारत के ऊपर है और खासकर वेस्टर्न कंट्रीज को भारत की तरक्की देखे काफी ज्यादा तकलीफ है। जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है, हमने देखा चाहे खालिस्तान का मुद्दा हो या फिर दूसरे देशों में अननोन मैन के जरिए किलिंग्स का मामला हो, कैसे वेस्टर्न कंट्रीज बार बार भारत पे हमला कर रही हैं। खासकर अगर हम बात करें अमेरिका और कनाडा की, तो इनकी नजर खासकर भारत के ऊपर है, ये कभी नहीं चाहेंगे कि भारत इनसे आगे जाए। बाकी जैसे साजिद ताड़ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि मोदी जी का जो 10 साल का काम है वो बोलेगा, लोकसभा चुनावों में उनको उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और दूसरी ओर जो हमारे विदेश मंत्री यानी एस जयशंकर साहब है, वो सच में एक बहुत ही बेहतरीन डिप्लोमेट और एक हीरो है, वो हमारे देश को आगे लेकर जरूर जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।